अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह इंसानी जिस्म में तवानाई हम खुराक से हासिल करते हैं, इसके लिए हम कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद वो चीज़ जिस्म में हज़म होती है और हज़म होने के बाद उसका जो फुजला होता है उसने जिस्म से खारिज होना होता है। अगर वो प्रॉपर वक्त के मुताबिक जिस्म से खारिज हो तो वो एक नॉर्मल बहाना होता है, लेकिन अगर 24 घंटे में एक दफ़ा भी ना बहाना आए या दो दो तीन तीन दिन के बाद बहाना आए या उसकी हाजत ना हो तो हम उसे कब्ज़ कहते हैं। यानी कि कब्ज़ एक तो यह है कि बहाना सख्त किस्म का आता है और दूसरे नंबर पे हम कब्ज़ उसे कहते हैं कि बहाना चाहे पतला हो लेकिन बहाना करते हुए हमें टाइम ज़्यादा सर्व हो। यानी कि बहाने में अखराज का टाइम अगर ज़्यादा हो तो हम उसे कब्ज़ के ज़ुमर में लेते हैं। गैर तसली बख्श बहाना, बहाना करने के बाद अगर इंसान की हाजत रफा पूरी तरीके से नहीं होती तो हम उसको भी कब्ज़ कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब बहाना जिस्म से खारिज नहीं होता तो उस वक्त कब्ज़ उस चीज़ को, उस बीमारी को हुकामा जितने हैं वो सारे के सारे उसे उम्मुल अमराज कहते हैं कि ये अमराज की एक माँ है जिससे तमाम अमराज जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर प्रॉपर पहाना का अखराज ना हो तो हम उसे कब्ज़ कहते हैं। और ये एक, वैसे तो ये बीमारी एक नॉर्मल बीमारी समझी जाती है लेकिन इसके इवज़ हमें बहुत से तहाइफ मिलते हैं, इसके नतीजे के तौर पर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ होती है स्कील चीज़ें खाने से, मरहम चीज़ें खाने से, इससे अक्सर कब्ज़ का शिकार हो जाता है मरीज़। गैर फितरी ज़िंदगी गुजारने से, सोने और जागने का टाइम और एक्सरसाइज का टाइम ना मिलने की वजह से आप रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं या सुबह देर तक सोते रहते हैं तो ये भी कब्ज़ का वायस बनता है। मैदा की बनी हुई तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें जो मैदे से बनी होती हैं वो कब्ज़ का बायस बनती हैं। और आंतों को की अंदरूनी परत, आंतों की अंदरूनी परत का ढीला हो जाना, उससे भी कब्ज़ हो जाती है क्योंकि आंतों ने ही बहाने का अखराज करना होता है। इसके बाद वर्जिश ना करना, अगर हम प्रॉपर वर्जिश भी नहीं करते तो इससे भी हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। या नशा आवर अशिया, चाय, सिगरेट, कॉफ़ी और इस किस्म के दूसरे नशे जो हैं वो हमें कब्ज़ में मुब्तला कर देते हैं। सब्ज़ियाँ और फल कम खाना, क्योंकि सब्ज़ियों और फलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है। फाइबर हज़म नहीं होता लेकिन ये आंतों की सफाई करता है। अगर फाइबर का कम इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अदवियात खाने की वजह से भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है, जैसे कि ऐसी अदवियात जो जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं उससे भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। आंतों में रुतुबत का कम हो जाना या बिल्कुल खुश्क हो जाना, क्योंकि बहाने का अहराज करने के लिए भी हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, आंतों में हमें चिकनाहट की ज़रूरत है ताकि बहाना ईज़िली खारिज हो सके। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान को बहाना आया है और उसको रोक के रखा है, और बहाने को रोक के रखने से भी इंसान कब्ज़ का शिकार होता है क्योंकि बहाना जितनी देर तक आंतों में रहता है विल्लाई उससे पानी चूसते रहते हैं, जब पानी चूसते रहते हैं तो वो भी बहाना ठोस शक्ल अख्तियार करता है, हार्ड हो जाता है और फिर बहाने का अहराज करने में दिक्कत होती है, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं। ऐसा आटा इस्तेमाल करना
जिसमें छान नहीं होता, जिसमें फाइबर नहीं होता, उसके खाने से भी कब्ज़ हो जाती है, या दुराने हमल भी अक्सर कब्ज़ हो जाती है। ज़्यादा चावल खाने से भी कब्ज़ होती है, ख़ास तौर पर तड़के वाले चावल जिसमें घी का तड़का लगाया होता है, उससे भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। अगर पेट के मसल्स किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाएं, तो वो भी कब्ज़ का बायस बनते हैं, क्योंकि बहाने का अहराज करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। और अगर आपके पेट के मसल्स कमज़ोर हों तो बहाने के लिए जोर नहीं लगता और इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। थायराइड ग्लैंड्स की रुतुबत की कमी की वजह से भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। आंतों के कैंसर के बायस भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। या पानी बहुत कम पीना और जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से भी इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। दोस्तों, मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में भी जैसे शुगर का मरीज अक्सर आपको कब्ज़ में मुबतला नज़र आएगा। तो दोस्तों, अब हम इसका इलाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज़ से छुटकारा मिल जाए, तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप खाना रात 8 बजे से पहले खा लें। खाना खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, खाना चबा चबा के खाएं, तेज़ मिर्च मसाले से परहेज़ करें और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें कम खाएं जिसमें फाइबर मौजूद नहीं होता, तो आपको सारी ज़िंदगी कभी कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ के लिए सबसे अहम दुआ नक्स भूमिका है, और नक्स भूमिका एक ऐसी दुआ है जो अयाश आदमियों की दुआ है। ऐसे आदमी जिनका काम बैठ का काम करने का है, वो उनमें जिस्मानी हरकत की कमी होती है और ज़हनी मशक्क़त ज़्यादा करते हैं, ऐसे मरीज़ कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और फिर ज़्यादा मेहनत करने के लिए इन्हें ताकतवर चीज़ों की ज़रूरत होती है, नशा आवर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सिगरेट, चाय, शराब, और इस की वजह से वो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और इसमें बहाना बार बार आता है लेकिन सख्त आता है, और इसमें जो हाजत होती है वो तसल्ली बख्श नहीं होती, और ऐसा मरीज़ बवासीर का भी शिकार हो जाता है, और इसे अक्सर सर दर्द रहता है क्योंकि वो ज़्यादा वर्किंग करता है। इसके बाद अगर हम दूसरी दुआ की बात करें तो वो है सल्फ़र। सल्फ़र दरीना कब्ज़ का शिकार मरीज़ होता है, और इस मरीज़ की सबसे बड़ी 3 निशानियाँ हैं कि इसके हाथ पाँव में और सर की चोटी पर जलन होती है, और इसे 11 बजे के करीब या दोपहर के टाइम भूख बहुत ज़्यादा तंग करती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो एक लुकमा ले तो उसे काबले उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन अगर एक लुकमा भी ना ले तो वो कब्ज़ का शिकार होने हो जाता है। और कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे गशी आ रही है। ये मरीज़ नहाने से ग्रेज करता है, और इस मरीज़ की ज़बान की टिप रेड होती है, यानी कि अगर मरीज़ ज़्यादा देर खड़ा ना रह सके, भूख बर्दाश्त ना हो सके, नहाने से ग्रेज करे और जिल्द में कुदरती चमक ना हो, तो ये सल्फ़र का मरीज़ है। बाज़ लोग सल्फ़र सुबह के वक्त और नक्स भूमिका रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं, ये भी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए या बवासीर को ठीक करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये एक गैर होम्योपैथी तरीका है। आपने एक वक्त में सिर्फ एक ही दवा देनी है। ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रायोनिया की आंतों में खुश्की हो जाती है, और खुश्की होने की वजह से पहाना बाहर निकालते हुए पहाना करते हुए हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और पहाना खुश्क जला हुआ होता है, और मरीज़ कमज़ोरी का शिकार होता है, काम करने को दिल नहीं करता, लेटे रहने का दिल करता है, प्यास बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो इसकी ज़बान आमतौर पे सफ़ेद होती है या हल्की सी ब्राउन होती है। तो ये ब्रायोनिया का मरीज़ है, ये ज़्यादा पानी पीता है और बार बार पानी पीता है। इसके अलावा नेटोम्योर जो है वो ब्रायोनिया की मुज़म्मन दुआ है, इसमें भी ब्रायोनिया की तरह ही कब्ज़ पाई जाती है,
ये मरीज नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, इसे गर्मी लगती है और खाना खाते हुए इसके चेहरे पर पसीना आए तो ये नेट्रोम्योर की एक पक्की निशानी है। इसके बाद एक और दवा है जिसे हम प्लम्बम मेट कहते हैं। प्लम्बम मेट ऐसे मरीजों की दवा होती है जिसके पेट अंदर की तरफ झुकाव होता है उसका और कश्ती नुमा पेट होता है, और इसमें अक्सर आपने पढ़ा होगा कि मुंह के राह पहाना करें। असल में मुंह के राह के पहाना करने का मतलब ये है कि इसके सांस से पहाने की बदबू आती है, और ये प्लम्बम मेट का मरीज होता है और इसको पहाना करते हुए काफ़ी देर लगती है, और ये मरीज मगध के ऊपर इसे बोझ महसूस होता है। अगर हम बात करते हैं ओपियम की, तो ओपियम में भी मरीज को पहाने की हाजत ही नहीं होती। ब्रायोनिया में भी हाजत नहीं होती, लेकिन ब्रायोनिया में मुश्किल बोझ रहता है रेक्टम के ऊपर, लेकिन ओपियम में कई कई दिन पहाने की हाजत नहीं होती और इसमें छोटी छोटी गोलियों की सूरत में पहाना हारिज होता है। ये मरीज भी सुस्त होता है, इसे या तो नींद बिल्कुल नहीं आती या इसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है, और ये अक्सर गनूदगी का शिकार रहता है। लाइकोपोडियम आपको इलम है कि ये निज़ाम निज़ाम की एक बहुत बड़ी दुआओं में से दुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा हवा पेट में पैदा होती है, और अगर भूख लगी हो, अगर दो रोटियों की भूख है, वो चंद लुक में लेगा और उसका पेट फुल हो जाता है और पेट का अफारा हो जाता है। ये मरीज़ गर्म चीज़ें पसंद करता है और इसके हाथ में से खटास खट्टी भू आती है, मुंह का जायका भी खट्टा होता है, और पहाने की हाजत भी गैर तसली बख्श होती है। पोडोफाइलम छोटे बच्चों की दुआ। छोटे बच्चों को अगर कब्ज़ हो जाए तो पोडोफाइलम और एलोमिना ये एक अच्छी दुआ है कि अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो छोटे बच्चों की कब्ज़ में ये शाफी दुआ होती है। ग्रेफाइट्स, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसके मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती है, इसका वजन बढ़ा हुआ होता है, ये गोल बटोर होता है, ठोस जिस्म का मालिक होता है, और इसे पहाना करते हुए दर्द होती है और पहाने के ऊपर एक सफ़ेद चर्बी की तय होती है, यानी कि इसका पहाना चर्बी में लिपटा हुआ आता है, तो पहाना करते हुए दर्द होती है। सीपिया भी हामला की दुआ है। इसका मरीज चिड़चिड़ा होता है, कब्ज़ का शिकार होता है, जिस्म के किसी भी हिस्से को सर्दी लगे तो इसके जिस्म में दर्दें पैदा होती हैं। ये गुस्से वाला होता है, घर की परवाह नहीं करता, अपने हावंद की परवाह नहीं करता, बाल बच्चों की परवाह नहीं करता, और जब ये वॉशिंग मशीन लगाता है, कपड़े धोता है, उस वक्त उसका पूरा जिस्म दर्द करता है। ये सीपिया की अलामत है, यानी कि ऐसी औरत जिसका मजाज में मर्दानापन नुमाया झलक रहा हो तो ये सीपिया की औरतों की कब्ज़ की अच्छी दुआ है। प्लाटिना गुरूर की दुआ है। इसका मरीज समझता है कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर हूँ और जो मैं हूँ वो और कोई दूसरा नहीं है, और प्लाटिना को अक्सर सफ़र के दौरान अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और जितनी देर तक वो सफ़र पे रहता है इसे कब्ज़ होती है, और कब्ज़ में पहाना इस कदर लेजार होता है और मगध से लई की तरह चिपक जाता है। इसकी अगर आप सबसे बड़ी अलामत देखें तो ये सफ़र की कब्ज़ के लिए ये एक अहम दुआओं में से एक दुआ है। कालनसोनिया भी दौरान हमल कब्ज़ होती है और इसमें पहाना करते हुए दर्द और जलन भी होती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें मैंने कब्ज़ के मुतल्लक इलाज, परहेज़ और एक्सरसाइज वगैरह या खाने का तरीका वगैरह बताया है, और साथ साथ ये चंद दुआएं बताई हैं कि अगर आप इन दुआओं पे थोड़ा सा गौर करें तो आप मरीज़ को आसानी के साथ, जल्दी के साथ मरीज़ को शफा दे सकते हैं।
दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।